Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we will discuss another topic of administrative law, that is relationship between administrative law and constitutional law. तो आज हम administrative law और constitutional law इनके बीच में क्या relationship है इसको हम पढ़ेंगे. इससे पहले भी मैंने administrative law के कुछ videos बनाए हैं, जैसे nature और scope of administrative law और administrative law के क्या regions हैं, उसकी growth के और उसका मीनिंग और डेफिनेशन वगैरह के बनाए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं. तो चलिए हम अपने इस टॉपिक के साथ में चलते हैं आज. तो पहले हम इंट्रोडक्शन में चलेंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नॉट क्लियरली मार्क्ड आउट, बट द फैक्ट्स रिमेन्स दैट द टू ओवरलैप्स इन सेवरल एस्पेक्ट्स. जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, इनके बीच में कोई एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, ठीक है. इनको एक दूसरे से बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, और कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना. और देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप विच इज़ फंडामेंटल टू बोथ. कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी हैं जो कि दोनों ही जो आपके लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव, उनमें फंडामेंटल होते हैं. If one were to represent the two branches of law in a Venn diagram, then there would be a common area known as watershed area in administrative law. अगर हम इसको एक Venn diagram की मदद से इसको दिखाएंगे, तो ये जो administrative law और आपका जो constitutional law है, ये एक दूसरे को overlap करते हुए दिखाई देगा. और ये जो overlapping का जो area होगा, इसे हम watershed area कहेंगे in administrative law. सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ पब्लिक लॉ. पब्लिक लॉ के पार्ट्स होते हैं. जो केट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, अगर उसको हम डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे तो वो इम्पॉसिबल होता है. मतलब इन दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल है, और अगर ऐसी कोई अटैम्प्ट की भी जाती है तो वो सिर्फ आर्टिफिशियल अटैम्प्ट होंगी. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होते हैं, वो कुछ प्लेसेस में ओवरलैप करते हैं, और इन एरियाज जो हैं उनको हम वाटरशेड कहते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना. इंडिया में अगर हम बात करें तो ये जो वाटरशेड जो होता है, ये जो वाटरशेड एरिया होता है, इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि होल कंट्रोल मैकेनिज्म जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है. और ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, वो किसके लिए प्रोवाइड किया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं उनके कंट्रोल के लिए, जैसे कि आर्टिकल 32, 136, 226, 227, 300 and 311, ठीक है ना. अब ये जो वाटरशेड एरिया है, इसमें आपका कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड जो होती है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी, क्रिएशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल्स जो बनाई गई हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशंस, ठीक है ना. आर्टिकल्स मैंने उनके आगे लिखे हैं, ठीक है. तो ये सारी जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बनाई गई हैं, ये किसी पर्टिकुलर फील्ड को रेगुलेट करने के लिए. जैसे अगर मैं बात करूँ, इलेक्शन कमीशन बनाया गया है कि पूरे देश में आपका जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनको कराना, उनको रेगुलेट करना, उनको मॉनिटर करना, सारा काम आपका इलेक्शन कमीशन का होता है. इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई दो स्टेट है, उनके बीच में वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है ना, तो उस केस में भी आपका ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी जो होती है, ये मैटर को रिजॉल्व करने का काम करती है. अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की, कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. तो दोनों ही जो हैं वो पब्लिक लॉ की स्पीसीज होती हैं, ठीक है ना. इसका मतलब क्या है कि दे डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट. मतलब ये एक तरीके से दोनों ही आपकी पब्लिक लॉ की स्पीसीज हैं, जो कि आपका किसके बीच में रिलेशनशिप्स को डील करती हैं, कि जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, और साथ में आपके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनके उससे डील करती हैं. देन दूसरी सिमिलैरिटीज़ क्या है, कि बोथ डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल पावर एंड फंक्शन. मतलब दोनों ही दोनों, चाहे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये दोनों ही आपका डील करती हैं आपका जो गवर्नमेंट की जो पावर है और उसके जो फंक्शंस हैं, उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और किस तरीके से उनको एक्सरसाइज किया जाए, ठीक है ना. वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिगिन, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ख़त्म होता है वहाँ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका शुरू होता है.
Both are concerned with imposing boundaries and accountabilities on those that exercise governmental powers. मतलब दोनों ही जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उन दोनों का ही काम होता है कि वो एक तरीके से जो मतलब ऐसे जो एजेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट की जो पावर है उसको एक्सरसाइज कर रही हैं उनकी उन पे मतलब एक तरीके से उनमें लिमिट इम्पोज करें, उनकी बाउंड्रीज उनको बताएं और उनकी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताएं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्योंकि वो ये गवर्नमेंट पावर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं या इसको यूज़ कर रहे हैं. देन नेक्स्ट सिमिलैरिटीज़ इज़ कि देयर एप्लीकेशन इज़ फाउंडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब दोनों के जो एप्लीकेशन है उनका जो बेसिस है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन. द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विल इन्वॉल्व कॉपियस रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका रेफरेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना. दे बोथ आर कंसर्न विद ह्यूमन राइट इशूज़. दोनों ही आपके किससे कंसर्न होते हैं, ह्यूमन राइट इशूज़ से कंसर्न होते हैं. नेक्स्ट इज बोथ रिलाय ऑन स्टैट्यूट्स एंड केस लॉज फॉर देयर प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशंस. मतलब दोनों ही जो हैं वो अपने प्रिंसिपल्स जो उनके सिद्धांत होते हैं और अपने ऑपरेशन अपने मतलब अपने जो जो भी उनको काम करना है जो भी उन्हें प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है ना, उसके लिए आपका ये स्टैट्यूट्स और केस लॉज जो होते हैं उस पर आपका डिपेंड होते हैं. स्टैट्यूट्स मतलब जो लॉ के लेजिस्लेचर के जरिए बनाए जा रहे हैं और जो केस लॉज वगैरह होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं. द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ आर एनफोर्स्ड बाय द सेम इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना. इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, उनको एनफोर्स किया जाता है किसके ज़रिए, सेम इंस्टीट्यूशन के ज़रिए. और वो क्या है, द कोर्ट्स हो गए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स हो गए, ठीक है ना, इनके ज़रिए इनके प्रिंसिपल्स को एनफोर्स किया जाता है, ठीक है ना. अब हम बात करेंगे डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले पहला डिफरेंस हम पढ़ते हैं कि जो हॉलैंड था उसने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो डिस्क्राइब करता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट रेस्ट. मतलब वो गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स को डिस्क्राइब करता है जब वो रेस्ट पे होते हैं, ठीक है ना. और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है डिस्क्राइब करता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जब वो गवर्नमेंट के जब वो मोशन में होते हैं, ठीक है ना. इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई रेस्ट कर रहा है या कोई मोशन कर रहा है. इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो है कि मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके से गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स है उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है और जब वो काम कर रहे हैं तो किस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है. नाउ आइवर जैनिंग जो थे उन्होंने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो डील करता है फंडामेंटल्स के साथ में, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो डील करता है विद द डिटेल्स, ठीक है ना. ये फंडामेंटल्स के साथ में डील करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो डिटेल्स के साथ में. द नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज मेजॉरिटेरियन जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो एंटी अथॉरिटेरियन होता है. नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप्स ऑफ दीज ऑर्गन्स विद द इंडिविजुअल्स. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है वो बेसिकली डील करता है जनरल प्रिंसिपल्स से जो कि रिलेट करते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. मतलब किसी भी राष्ट्र की जो वेरियस वो हैं आपके ऑर्गन्स हैं उनकी पावर और उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके साथ में डील करता है और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. साथ ही साथ ये भी इसके इस कॉन्सेप्ट से भी डील करता है कि ये जो आपकी वेरियस या आपके जो एजेंसीज हैं या हम कह सकते हैं वेरियस ऑर्गन्स हैं इनका किसी इंडिविजुअल्स के साथ में क्या रिलेशनशिप है. जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है ना वो डील करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. ये सिर्फ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है ना, उसकी उसके जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनके फंक्शंस क्या होती हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं उनकी, उनसे डील करता है. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो डील करता है विद द राइट्स, ठीक है ना, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो आपका एम्फोसाइज करता है पब्लिक नीड्स पे, ठीक है ना. देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो आपका सबऑर्डिनेट होता है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको स्टडी करा.
साथ ही साथ में हमने जो सिमिलैरिटी सीन के बीच में और डिसिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ इसमें हेल्प मिली हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।